फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान अमृत पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैकअप TDL के बारे में। ये बैकअप TDL औरों के बैकअप TDL से बिल्कुल डिफरेंट है। आपने अभी तक जो भी बैकअप TDL यूज किया होगा, ये उससे पूरी तरह से डिफरेंट है। तो ये करता क्या है, ये कंपनी वाइज बैकअप करता है। मतलब जो फोल्डर है वो कंपनी वाइज बनाएगा और उसके अंदर डेट वाइज और टाइम वाइज फोल्डर क्रिएट करेगा। ये मेनली CA या जिनके पास एक से अधिक फर्म यूज हो रहे हैं उनके काम का है। मतलब आपके जितने भी कंपनियां हैं वो सबका एक फोल्डर बनाएगा और बैकअप करते चला जाएगा। उसी तरह से आप कंपनी वाइज फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हैं। और दूसरी खासियत ये है कि ये जो TDL है वो 2.1 पे भी चलेगा और Prime 3 के ऊपर वाले वर्जन पर भी चलेगा। मतलब 2.1 उससे नीचे चलेगा और 3.0 और उससे ऊपर चलेगा। एक ही TDL दोनों में काम करेगा। तो चलिए अभी समझते हैं कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले बैकअप में चलेंगे। मैंने यहाँ पर दो टैली खोल रखा है। एक देखिए, ये देखिए यहाँ पर टैली रिलीज 2.1 और एक यहाँ पर भी टैली मेरे पास है 3.01। मतलब दोनों टैली अवेलेबल है। अभी हम बैकअप में चलेंगे, यहाँ पर बैकअप 1 में चलेंगे। यहाँ पर आपको और इस TDL का जो बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वो पाथ देना है जहाँ पर आप बैकअप करना चाहते हैं। तो हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो पाथ है, यही पाथ मैंने यहाँ पर दिया है और ये फोल्डर अभी बिल्कुल ब्लैंक है। तो ये देने के बाद अभी कब आपको बैकअप लेना है वो आपको बतलाना होगा। तो मैं करता हूँ क्लोज कंपनी पे। तो अभी इसमें से जो ऑप्शन है, पहले हम समझेंगे करेंट कंपनी के बारे में। तो करेंट कंपनी करते हैं और कन्फर्मेशन को यस करते हैं। ये सेटिंग करने के बाद हम दूसरी साइड में चलते हैं, वहाँ भी हम सेम यही सेटिंग कर दें ताकि दोनों की टेस्टिंग हो जाए। ये मैंने क्लोज कंपनी किया और करंट कंपनी किया। अभी जब हम ये टेस्टिंग नाम की कंपनी है जिसे मैं यहाँ से सेट करता हूँ। सेट करने के बाद ये ऑटोमेटिक बैकअप हो चुका है। अभी मैं फिर से ये कंपनी खोल लूँ और यहाँ पर देखिए ये टेस्टिंग नाम का जो हमारे पास है एक बैकअप बन चुका है। अब हम आते हैं अपने 3 वाले टैली पर। यहाँ भी हमारी सेटिंग की हुई है। अभी हम कंपनी को बंद करते हैं और GST 3 नाम का ये हमारे पास अवेलेबल है, इसे हम करते हैं बैकअप। तो अभी देखिए इस फोल्डर में हमारे पास एक बैकअप और बन चुका है। मतलब 3 का भी बन चुका है और 2 का भी बैकअप बन चुका है। अब समझना ये है कि ये तो हुआ सिंगल कंपनी, लेकिन अगर हम मल्टीपल कंपनी में वर्क करें तो कैसे होगा। तो यहाँ पर हम चलेंगे और यहाँ चलेंगे। अभी हम करेंगे क्लोज कंपनी पर ही, पर सेलेक्टेड कंपनी मतलब एक से अधिक कंपनियों पर हम ये ट्राई करने जा रहे हैं। तो जो हमारे पास है वो एक कंपनी में आपका ये ले लेता हूँ, दो कंपनी मैंने चूज किया है और इसे सेव करता हूँ। इसी तरह से हम अपने 2.0 वाले टैली पे भी मल्टीपल कंपनी के लिए सेटिंग करेंगे। यहाँ जाने के बाद ये हम करेंगे सेलेक्टेड कंपनी और यहाँ पर देंगे GST टेस्ट कंपनी हमारे पास ये है। इसके बाद एक ये भी हम ले लेंगे टेस्टिंग कंपनी और एक TDL गुरुजी नाम से कंपनी वो भी ले लेते हैं। तो ये 4 कंपनी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट की और ये मैंने सेव किया। कंफर्मेशन को मैंने यहाँ पर नो रखा है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपको ये नीड है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। इससे ये होगा कि आपसे ये बैकअप करने से पहले आपसे पूछेगा। अगर आपने नो रखा है तो ये नहीं पूछने वाला है। ये करके हम इसे सेव करते हैं। अब आती है बैकअप की बारी। तो यहाँ से हम अभी वीडियो को आपको पूरा देखना है, मैं इसे डिलीट करने का जो प्रोसेस है वो भी बतलाऊंगा, क्योंकि इसमें जो डिलीट है वो कुछ अलग ढंग से डिलीट है। आपको टैली में जाके अपने ड्राइव के थ्रू फोल्डर खोलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम करेंगे और ये इंटर करके मैंने बंद किया। फिर से हम ओपन करते हैं। अभी हम इस वाले पर आते हैं, यहाँ भी चलेंगे, यहाँ भी सेटिंग हमारी की हुई है। हम कंपनी को सेट करते हैं, ये बैकअप पूछ रहा है और मैंने ये बैकअप कर दिया। बैकअप करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो बैकअप है, दो ही कंपनी के बैकअप थी। इसे मैं डिलीट कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसान होगा। ये मैंने तीनों कंपनी डिलीट किया और यहां से GST 3.0 मैंने फिर से ओपन किया और एक बार दिखला दूं यहां कितनी कंपनियों का बैकअप है। ये करने के बाद यहां पर दो कंपनी का बैकअप है एक साथ में और ये फोल्डर जो हमारे पास है ये बिल्कुल ब्लैंक है। तो हम इसे यहाँ से कंपनी को सेट करते हैं, सेट करेंगे, बैकअप लेंगे। ये देखिए दोनों कंपनी का बैकअप हमारे पास आ चुका है। मतलब एक बार में आपको जितनी भी कंपनी खुली होगी वो सारी कंपनियों का बैकअप कर देगा। अभी यहाँ से हम ओपन करेंगे, एक बार फिर से हम बैकअप करते हैं। तो एक बार पहले हम ये 2.1 में भी इस चीज़ को चेक कर लें।
2.1 में जो सेटिंग है बैकअप में चलेंगे, ये बैकअप है, क्लोज कंपनी पे है, सिलेक्टेड कंपनी पे, यहाँ पर डेटा नहीं अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम डालते हैं कंपनी का नाम एक बार फिर से, टेस्टिंग कंपनी और एक TDL गुरुजी कंपनी, ये दो कंपनी करने के बाद हम इसे सेव करेंगे और कंपनी को यहाँ से सेट करते हैं। ये देखिए ये दोनों बैकअप हमारे पास हो चुका है। अभी हम ट्राई करेंगे यहाँ पर, ये जो फोल्डर है हमारे पास, तो देखिए TDL गुरुजी और ये टेस्टिंग कंपनी भी आ गया और ये हमारा जो 3 का था वो भी आ गया। इसी चीज़ को हम एक बार इसमें फिर से चेक कर लें, मैं आपको फिर से दिखला दूँ ये जो हमारा बैकअप है ये किस तरह से, यहाँ पर दो कंपनियों का बैकअप हमारे पास था। अभी हम इसे फिर से बंद करते हैं। अभी होगा क्या, मैं आपको ये बता दूँ ये हो क्यों रहा है कि अगर हम इसको खोलते हैं तो ये एक बैकअप है 3 सितंबर का और इसके अंदर हमारे पास एक बैकअप है 7:55 का। तो मैंने जैसे ही इसे बंद किया एक बार फिर से यहाँ पर, मैं चूँकि एक साथ मैं दोनों कंपनी चला रहा हूँ तो थोड़ा सा उसके वजह से ये लिस्ट वेरिएबल का इशू ले रहा है, पर इसे मैं सेव किया तो अभी सेट करता हूँ तो ये बैकअप पूछा और ये बैकअप दोनों कंपनियों का हो गया। अभी यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिए एक बैकअप और आ गया है। अब समझने वाली बात यह है, ये तो आपने बैकअप देख लिया, अब हम थोड़ा डिलीट के बारे में समझते हैं। तो डिलीट के लिए हम इधर चलते हैं, यहाँ भी कंपनी को खोलना ही पड़ेगा। टेस्टिंग, ये राइट साइड में हमें बटन मिलेगा डिलीट बैकअप का, इसे हम क्लिक करेंगे तो जो भी बैकअप की फोल्डर है वो मिल जाएगा। जैसे अगर हम एक बार में एक सिलेक्ट किए और अगर हम डिलीट करना चाहें तो ये फोल्डर हमारा डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप मल्टीपल फोल्डर भी एक बार में सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ये तो क्या पूरी कंपनी को डिलीट करने का, पर नहीं, अगर हमें उसे अंदर डिलीट करना है तो हम यहाँ पर जाएंगे GST 3.0, इसके अंदर इंटर मारेंगे तो ये देखिए एक बैकअप है 3 सितंबर का, बाहर आएंगे इसके अंदर भी बैकअप है 3 सितंबर का, इसके अंदर भी एक बैकअप है। तो अगर हम इसमें इंटर मारते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास GST 3 में ये जो बैकअप एक अवेलेबल है हमने यहाँ से सेलेक्ट किया। आप मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब मैं इसे क्लिक करूँगा डिलीट सिलेक्टेड फोल्डर और यस करूँगा तो ये देखिए ये हमारा बैकअप कम्प्लीट है, अभी ये फोल्डर यहाँ से डिलीट हो गया है। तो इसी तरह से इसमें चलेंगे, यहाँ भी देखिए एक दिखला रहा है हमारे पास, अगर हम यहाँ ओपन कर दें तो इसमें भी अवेलेबल है, इसे सेलेक्ट करेंगे। आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसके अंदर एक फोल्डर बना लूँ, सपोज एक फोल्डर मैं और बना लेता हूँ, ये दो फोल्डर मैंने लिया, एक और बना लेता हूँ, ये 3 फोल्डर मैंने लिया। अभी यहाँ पर चलेंगे, बाहर आएंगे, ये इंटर मारेंगे, तीनों आ गया, सेलेक्ट करेंगे डिलीट सेलेक्टेड फोल्डर करेंगे, यस करेंगे, ये देखिए तीनों डिलीट हो गया। तो यही है, कंपनी वाइज आप बैकअप कर सकते हैं, कंपनी वाइज डिलीट कर सकते हैं। अभी सारा डिलीट कर देना, ये सेलेक्ट कीजिए यहाँ से और डिलीट सेलेक्टेड फोल्डर कर दीजिए, ये हमारा पूरी तरह से ये फोल्डर हमारा ब्लैंक हो चुका है। तो यही है दोस्तों, TDL पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वेबसाइट पर भी विजिट करना GyanAmrit TDL.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।